हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल खंडेलवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज पॉइंट में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में एक नया कंटेंट शुरू किया है। एक्चुअल में करेक्ट अफेयर जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस सॉरी ऑफलाइन क्लासेस में तो चलता ही था, साथ में अब हम लोगों ने इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी शुरू किया। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए किसी भी प्रकार का कोई नया कंटेंट नहीं है। आप सभी को पता है आजकल चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, व्यापम, सभी एग्जाम्स में लगभग 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर या किसी किसी एग्जाम्स में 10 नंबर के आसपास का जो आपको वेटेज मिलता है एक करंट अफेयर्स के सेक्शन का मिलता है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम लोगों का प्रयास है कि डेली आप लोगों का एटलीस्ट करंट अफेयर का एक वीडियो प्रोवाइड करा पाए और इसमें केवल हम वही क्वेश्चंस लेके आएंगे जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम्स में आने की ज्यादा है। कहने से बात से मेरा मतलब ये है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की क्वांटिटी बढ़ा करके वीडियो लंबा भी ना हो और आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में काम का डाटा भी अवेलेबल हो जाए, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। तो बहुत ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला सेशन और फर्स्ट क्लास का पहला क्वेश्चन है। तो पहले हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और साथ में फिर अपन उनकी डिटेल देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इरानी ट्रॉफी 2023 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? जैसे कि आप सभी को पता है नेशनल लेवल की कुछ ट्रॉफियां होती है, उसमें से इरानी ट्रॉफी ये एक महत्वपूर्ण ट्रॉफी होती है जो एग्जाम से पूछी जाती है। अभी हाल ही में जो इरानी ट्रॉफी टूर्नामेंट है ये जीता है वेस्ट जोन में। तो जो वेस्ट जोन की टीम है इनके द्वारा इरानी ट्रॉफी टूर्नामेंट 2023 का जो खिताब है ये जीत लिया गया। इरानी ट्रॉफी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को इसी के पैरेलल जो भी नेशनल लेवल पर करंट में ट्रॉफीज होती हैं इनके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली जो संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट है ये कर्नाटक ने जीता है, अभी दिलीप ट्रॉफी जो है ये वेस्ट जोन ने जीती है, डूरंड कप का खिताब बेंगलुरु एफसी ने जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है आपकी सौराष्ट्र ने जीती है, विजय हजारे ट्रॉफी जो है आपकी मुंबई ने जीती है। ये कुछ नेशनल ट्रॉफी के बारे में आपको पता होना चाहिए और बेसिकली एक रणजी ट्रॉफी छूटी ये भी अभी रिसेंटली जो है सौराष्ट्र ने जीती है। तो आप वीडियो को पुश करके ये सारा डाटा को नोट कर सकते हैं। और अभी इरानी ट्रॉफी 2023 ये टूर्नामेंट का खिताब किसने जीत लिया है? तो वेस्ट जोन ने। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन को आप ध्यान रखिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है? तो आप लोगों को पता होगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई का एक प्रतिष्ठित स्टेडियम है और 2011 का जो आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हुआ था ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही हुआ था। और अभी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाने वाले प्लेयर सचिन तेंदुलकर, तो जो सचिन तेंदुलकर जी हैं सचिन तेंदुलकर इनकी आदमकद प्रतिमा लगाए जाने की घोषणा की गई है। तो थोड़ा सा आप सचिन तेंदुलकर जी का नाम ध्यान रखिएगा। इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि मुंबई में एक वानखेड़े स्टेडियम तो है ही और इसके साथ में मुंबई में एक और स्टेडियम है जिसका नाम है जिमखाना स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम फ्रेंड्स? जिमखाना स्टेडियम। यह स्टेडियम भी कहां पे स्थित है? मुंबई में। अब जब क्वेश्चन आता है मुंबई से तो अपने को थोड़ी सी डिटेल मुंबई के बारे में भी पता होनी चाहिए। जैसे कि मुंबई के द्वीप के किनारे है तो मुंबई सालसेट द्वीप के किनारे स्थित है। मुंबई शहर का संस्थापक कौन है? तो अर्नाल्ड ऑक्सिन जो है उसको मुंबई शहर का संस्थापक माना जाता है। मुंबई में हाजी अली की दरगाह स्थित है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है जो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे के स्वागत के लिए जो है ये गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। इसके अलावा मुंबई में बीसीसीआई हो गया, आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, ऐसे विभिन्न महत्वपूर्ण बैंकिंग संस्थाओं के हेडक्वार्टर स्थित है। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए मुंबई जो है इसका नाम मुंबा देवी जी के नाम पर या मुंबा देवी के टेम्पल के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? मुंबई पड़ा। इसके साथ में आप अगर और देखें मुंबई में तो जो भारत का सबसे बड़ा समुद्र पुल है जिसका नाम है बांद्रा वर्ली सी लिंक, ये कहां पे स्थित है? मुंबई में। मुंबई में नावाशेवा पोर्ट है और मुंबई में आपका मझगवा पोर्ट है। नावाशेवा पोर्ट की अगर आप बात करें इसमें अभी स्कार्पेंट श्रेणी की जो पंडुप्पियां इनका अनावरण किया गया था, अगर आप लोगों के नॉलेज में हो तो भारत में करंट में स्कार्पेंट श्रेणी की 6 पंडुप्पियां हैं, मैं आपको एक बार रिमेंबर करा देता हूं, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला, आईएनएस वागीर और आईएनएस वाक्शीर। जो अभी रिसेंटली जलावतरण किया गया था ये आईएनएस वाक्शीर का किया गया था और ये सभी जो 6 स्कार्पेंट श्रेणी की इंडियन नेवी की जो पंडुब्बियां थी सबमरीन थी इनका जो जलावतरण किया गया था ये मुंबई के मझगवा पोर्ट से ही किया गया था। और इसी मुंबई के मझगवा पोर्ट को भारत का पहला 100% लैंडलॉट मॉडल वाला बंदरगाह भी घोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
इसके साथ में मुंबई में एक्चुअली में महाराष्ट्र की जो दो फेमस सिटी है, एक मुंबई और दूसरा पुणे, इनके बीच में एक आपका दर्रा है और एक और महाराष्ट्र की सिटी है नासिक और दूसरी मुंबई, इनके बीच में भी एक दर्रा है। तो एक थालघाट दर्रा है जो मुंबई और नासिक के बीच में, और एक बोरघाट दर्रा है जो मुंबई और पुणे के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, बोरघाट दर्रा और थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है और बोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। इसके अलावा और क्या है फ्रेंड्स, मुंबई में आपको दो दो रेलवे जोन के हेडक्वार्टर मिल जाएंगे। एक तो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में, जिसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, और एक वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, जिसे तिलक टर्मिनल के नाम से जाना जाता है। और मुंबई के अभी आपका रिसेंटली भारत की जो पहली पूर्णतः महिला संचालित रेलवे स्टेशन है, मुंबई का माटुंगा रेलवे स्टेशन बना था, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के बात ये है कि जब भी कोई टॉपिक आए तो उससे रिलेटेड हमको थोड़ी सी आसपास की जो डिटेल है इसको कवर कर लेना है। इससे फायदा ये होता है कि एक तो करंट अफेयर्स का हमारा क्वेश्चन तैयार होता ही होता है, साथ में हम लोगों का स्टैटिक भी जो जीके है वो इसमें तैयार होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस खिलाड़ी की आदमकद प्रतिमा लगाने की घोषणा की गई है, तो सचिन तेंदुलकर, जो कि मास्टर ब्लास्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। वर्तमान में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूप जो है क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसने हर पेमेंट डिजिटल मिशन शुरू किया है? तो जो हर पेमेंट डिजिटल मिशन है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत की गई है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आरबीआई का आपका हो जाएगा फुल फॉर्म। अभी आरबीआई ने भारत में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर पेमेंट डिजिटल मिशन जो है इसको शुरू किया है। अब आरबीआई द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो फ्रेंड्स देखिए, आपको आरबीआई अगर आता है तो आरबीआई के बारे में सामान्यतः आपके पास कितनी जानकारी होनी चाहिए? जैसे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, तो आरबीआई की स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। और आरबीआई की स्थापना के समय इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? प्रथम गवर्नर थे ओस्मान स्मिथ, ये जो है आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। इसके साथ ही आप लोगों को पता होना चाहिए कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइजेशन। तो जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ, ये हुआ 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ, और एस्टैब्लिश ईयर है इसका 1 अप्रैल 1935। अब जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ, उस समय जो गवर्नर बने थे, तो प्रथम भारतीय गवर्नर क्या था, क्योंकि आजाद भारत में बने थे पहले, तो प्रथम भारतीय गवर्नर, तो आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन हो गए? ये हो गए सी डी देशमुख। और अगर आपको याद हो या ना भी हो तो मैं रिमेम्बर करा दूं, अभी मुंबई का जो चर्चगेट रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर सी डी देशमुख रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली कहने का मतलब ये कि डेटा को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ना है। चलिए, इसके बाद आरबीआई के वर्तमान गवर्नर भी आपको पता होना चाहिए। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे शक्तिकांत दास। ये आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हो जाएंगे, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर। इसी के साथ आरबीआई का हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए आपको, ये कहाँ पे है? तो मुंबई में जो है आरबीआई का हेडक्वार्टर स्थित है। इसके साथ में आपको पता होगा कि अभी आरबीआई ने बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ एक जागरूकता अभियान शुरू किया था, जिसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था? नीरज चोपड़ा को आरबीआई ने बनाया था। आरबीआई जो है, इसकी स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। बाकी बेसिक जानकारी आपको पता ही है, भारत का केंद्रीकृत बैंक कहलाता है, बैंकों का बैंकर कहलाता है। ये आपको कुछ सामान्य जानकारी आरबीआई से ध्यान में रखनी है। और अभी आरबीआई ने हर पेमेंट डिजिटल मिशन की शुरुआत की है, और ये गवर्नर वर्तमान में आपके, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको सामान्य जानकारी आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में सुशासन सम्मेलन का आयोजन हुआ है? देखिए, भारत के किस शहर में सुशासन सम्मेलन का आयोजन हुआ है? सुशासन, गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन। तो गुड गवर्नेंस के लिए, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो समिट का आयोजन किया गया है, भारत का एक शहर है जहां पर सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया है, इसका नाम है भोपाल।
भोपाल आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर क्या किया गया है, सुशासन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब सुशासन सम्मेलन आया है तो आपको एक शब्द आता है सुशासन, तो आपको अगर रिमेम्बर हो, अगर ना हो तो मैं बता दूं, भारत सरकार द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो जन्म दिवस होता है, कब होता है इनका जन्म दिवस, 25 दिसंबर को। अटल जी जो थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को, तो इनके जन्म दिवस पर 25 दिसंबर को भारत सरकार हर साल सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। और अभी ये जो सुशासन सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया गया, भोपाल में। अब भोपाल में किया गया तो भोपाल से भी आपको कुछ करंट से रिलेटेड फैक्ट्स ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अभी जो भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, ये भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बना था जहां पर रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट की स्थापना की गई थी। सेकेंडली ये जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदल करके अब कमलापति स्टेशन हो गया है। भोपाल का जो विधानसभा भवन था इसका नाम बदल करके कुशाभाव ठाकरे भवन कर दिया गया है। इसके साथ ही भोपाल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट कॉरिडोर बना है, ये मुगालिया छाप गांव से लेकर के भानपुर टेकरी के बीच में। इसके साथ ही अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली भोपाल का जो इस्लाम नगर था इसका नाम बदल करके क्या हो गया, जगदीशपुर हो गया। और ये जो इस्लाम नगर शहर था इसका संस्थापक कौन था, तो दोस्त मोहम्मद खान। अब दोस्त मोहम्मद खान कौन था, तो औरंगजेब का सेनापति। ये कहाँ का मूल निवासी था, तो अफगानिस्तान का मूल निवासी था, ये वहां से भागकर आया और औरंगजेब की सेना में शामिल हो गया। बाद में इसने मध्य प्रदेश के भोपाल, जो भोपाल क्षेत्र है और इसके आसपास जो है मुगल सेना का नेतृत्व किया, और जो आपका जगदीशपुर था इसका नाम बदल करके इस्लाम नगर के नाम से इन्होंने इसकी स्थापना की थी, जिसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा फिर से क्या कर दिया गया है, जगदीशपुर कर दिया गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कैपिटल है, बहुत सारे कार्यालय और भवन है जो कि भोपाल में स्थित है। ऑफलाइन बैचेस में हमारे द्वारा मध्य प्रदेश का पूरा संपूर्णता ही जीके पढ़ाया जाता है, आप अगर ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ की और प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। चलिए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सुशासन सम्मेलन इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। आने वाले पटवारी एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में एशियन शतरंज महासंघ ने किस भारतीय को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो जो एशियन शतरंज महासंघ है इसने एक भारतीय प्लेयर है जिनको प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है, इनका नाम है डी गुकेश। तो जो डी गुकेश जी हैं ये आप सभी को पता है, उससे पहले भारत के ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं और इनको प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये भारत के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, तो ग्रैंड मास्टर जो शब्द होता है इसका संबंध या इस शब्दावली का संबंध ही किससे होता है, शतरंज से। और जो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे ये कौन थे, विश्वनाथन आनंद साहब। और ये विश्वनाथन आनंद जी जो है इनको लाइटिंग किंग के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं को पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि शतरंज दुनिया के किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो रूस, रशिया का जो है शतरंज राष्ट्रीय खेल है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अभी किस भारतीय को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो डी गुकेश को सम्मानित किया गया है। ये फ्रेंड्स कुछ करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए, ऐसे ही हम 5-5 क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लेके आएंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अपन कवर करेंगे। और आने वाले वीडियोस में हमारी कोशिश होगी कि आपके लिए और ज्यादा डिटेल से डेटा लाया जाए। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको शेयर कीजिए, नहीं पसंद आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल शेयर मत कीजिए, इंस्टाग्राम पे जाइए और बहुत सारे आप लोगों के मीम्स होते हैं उसको शेयर कीजिए, वहां मजे लीजिए, है ना। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ेगा ही, और जो नहीं पढ़ने वाला बच्चा है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और अगर आपको हम लोग का ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो 7000795141 छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के आसपास के जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं नॉलेज पॉइंट कोचिंग में, तो आप इस नंबर पर हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।